अचानक आदिवासी प्रेम उनका जगह है। अपने विधानसभा से आदिवासियों को चिर परिचित मांग, सरना धर्म कोड पहले पास करा के भेजे। तो हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आए हैं, वो घुसपैठ किए बांग्लादेश घुसपैठ किए। अरे ये बताएं, क्या उनका जो 56 इंच सीना मोदी जी जो दावा करते हैं, गृह मंत्री जी उन्हीं के हैं, राजनाथ सिंह उन्हीं के, रक्षा मंत्री उन्हीं के हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे हैं, CRPF क्या कर रही है, प्रधानमंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों भारतीय जनता पार्टी के, उनके शब्द क्या होते हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी बताएं, आप मुर्गी बेचने वाले हो क्या? अरे आपके शब्द होने चाहिए यहाँ के विकास के लिए, कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, एक रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, ये उनके शब्द होने चाहिए। दुल्हा कोला भाई भाई, ये शब्द बड़ी पॉपुलर है, ये इसमें अपनापन है, इसमें खुशबू है, इस माटी की, झारखंड की माटी की खुशबू है। जब हम रोटी की बात किए तो याद कीजिए, पहले से अगर हम रोटी की बात करें तो गाय के लिए आते हो, बोटी की बात ले आते हैं, अगर हम बेटी की बात करें तो मैया समान योजना हमने लाया, तो BIL वो कर दिए, और अगर माटी की बात करें CNT Act, स्पीटी एक्ट में लैंड बैंक के माध्यम से हमारा सरना जगह का, हमारे बहुत सारे जाहिर स्थान, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने लैंड बैंक बनाया। हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो जन सरोकार के मुद्दे लेके चलती है। हेमंत बिस्वा शर्मा जी और शिवराज चौहान जी जो बोरो प्लेयर हैं, अगर वो उनको झारखंड से इतना ही प्रेम है तो जाके प्रधानमंत्री जी को कहे हमारे 1,36,000 करोड़ रुपए पहले वापस। बटने वाले नहीं हम, कटने वाले नहीं हैं, वो बांटेंगे, कटेंगे, वो लड़ेंगे, क्योंकि उनकी उनके नियत में वोट है। हमारे साथ लोहरदगा सांसद सुखदेव भगत जी हैं और हम अभी मांडर विधानसभा में हैं। मांडर विधानसभा का ये बूढ़ा खुखड़ा मैदान है ना, फिलहाल दादा आए हैं और अभी जो BJP कह रही है जो बटेगा वो कटेगा, है ना, ये भाषण दे रही है। सर हर चुनाव में नई नई जुमले लेके आती है BJP, कब सुधरेगी, क्या लग रहा है, ये नया जुमला कैसा लग रहा है आपको? देखिए सबसे, और कौन बटेगा और कौन कटेगा, सबसे बड़ी बात है, दुख ये होता है कि जो बहुत ही एक संवैधानिक पद में है, एक बड़े पद में है, जिन पे पूरे देश की जिम्मेवारी है, राज्य की जिनको जिम्मेवारी दे, प्रधानमंत्री जी हों या फिर मुख्यमंत्री जी हों भारतीय जनता पार्टी के, उनके शब्द क्या होते हैं, बटोगे तो कटोगे। क्या ये माननीय मुख्यमंत्री जी या प्रधानमंत्री जी बताएं, आप मुर्गी बेचने वाले हो क्या? अरे आपके शब्द होने चाहिए यहाँ के विकास के लिए, कि पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे, एक रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा, ये उनके शब्द होने चाहिए। हम ये आपसे अपेक्षा ये करते हैं, जब जो जनादेश आपको मिला है और जहाँ पे आप हैं, तो एक के आप में ना जातीयता का बात होनी चाहिए, आप में देश का बात होना चाहिए, एक देश प्रेम की बातें होनी चाहिए, लेकिन लगातार आपने देखा होगा कि एक जातीय उन्माद फैलाने का वो प्रयास करते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाने का बात करते हैं, वो पोलराइज करने का प्रयास करते हैं। जैसे जब से हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ आए हैं वो घुसपैठिए बांग्लादेश घुसपैठिए। अरे ये बताएं, क्या उनका जो 56 इंच सीना मोदी जी जो दावा करते हैं, गृह मंत्री जी उन्हीं के हैं, राजनाथ सिंह उन्हीं के, रक्षा मंत्री उन्हीं के हैं, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स क्या कर रहे हैं, CRPF क्या कर रही है, तो क्या आपके लुंज पुंज व्यवस्था के लोग आपके बॉर्डर क्रॉस करके बाहर के विदेशों के लोग यहाँ पे आ जा रहे हैं? तो पहली बात, इस प्रकार के वो एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास उन्होंने किया है, ताकि एक जातीय गोलबंद हो। और लेकिन ये जनता यहाँ पे जानती है, और हेमंत जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन की जो सरकार है वो जन सरोकार के मुद्दे लेके चलती है। ये आपने देखा होगा, जैसे हमने अपने बेटियों की बात किया तो ये मैया समान योजना हमने लाया। लेकिन BJP ये कहती है, सर टोक के बता बोल रही हूँ, BJP ये कहती है कि मैया समान योजना का जो 1,000 रुपया है ये भीख है महिलाओं के लिए, हेमंत सोरेन भीख दे रहे हैं। मैं बताऊँ, ये उन्होंने कहा कि ये तो चुनावी जुमले हैं, फिर गोगो योजना क्यों लाए? अगर ये मजाक है, चुनावी जुमला है, तो वो भी गोगा योजना ला रहे हैं। हमने क्या किया, अभी तो हमने शुरुआत की है, और शुरुआत की, और आपने देखा होगा जैसे चुनाव खत्म हुआ, हम 2,500 की हम ये बात कर रहे हैं, और दिसंबर से ये बात कर रहे हैं। एक बात, वो रोटी बेटी और माटी की बात कर रहे हैं, उन्हें बताएं, जब हम रोटी की बात किए तो याद कीजिए, पहले से अगर हम रोटी की बात करें तो गाय के लिए आते हो, बोटी की बात ले आते हैं, अगर हम बेटी की बात करें तो मैया समान योजना हमने लाया, तो PIL वो कर दिए,
और अगर माटी की बात करें, CNT 8 स्पीटी एक्ट में लैंड बैंक के माध्यम से हमारा सरना जगह का, हमारे बहुत सारे जाहिर स्थान, बहुत सारे चीज़ों को उन्होंने लैंड बैंक बनाया। तो एक तो ये झारखंड को वो एक उपनिवेश के रूप में देखते हैं। लेकिन मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जिस प्रकार कार्य कर रही है। मैं एक बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, हेमंत बिस्वा शर्मा जी और शिवराज चौहान जी जो बोरो प्लेयर हैं, अगर वो उनको झारखंड से इतना ही प्रेम है तो वो जाके प्रधानमंत्री जी को कहे हमारे 1,36,000 करोड़ रुपए पहले वापस करें। एक दूसरी बात, अचानक आदिवासी प्रेम उनका जगह है, अपने विधानसभा से आदिवासियों को चिर परिचित मांग सरना धर्म कोड पहले पास करा के भेजे, तो ये हम इन बातों कहते। तीसरी बात, यहाँ पर 200 साल 300 सालों से जो असम में हमारे भाई बहन हैं उनको टी गार्डन लेबर, क्या हमारे लोग लेबर हैं? उनको ट्राइबल स्टेटस आप क्यों नहीं दे रहे हो? तो मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है, तो मैं उनका कोई नैतिक अधिकार नहीं है झारखंड में आके इस प्रकार की बातें करने का। लेकिन हमने कहा कि हमारे लोग बहुत जागरूक हैं और इन चीज़ों को समझते हैं, और झारखंड में मैं आपको बताऊं यहाँ सैया संस्कृति चलती है, यहाँ सब कोई हम लोग, एक कहावत बहुत पहले एक कहावत भी था कि जोला कोला भाई भाई, ये शब्द बड़ी पॉपुलर है, ये इसमें अपनापन है, इसमें खुशबू है, इस माटी की, झारखंड की माटी की खुशबू है। तो हम बटने वाले नहीं, हम कटने वाले नहीं हैं, वो बांटेंगे कटेंगे वो लड़ेंगे, क्योंकि उनकी उनके नियत में खोट है, हमारी नियत और नीति दोनों साफ है। हमें लगता है जनता अब धर्म की राजनीति समझ चुकी है, अब समझ चुकी है कि धर्म के नाम पर वोट से जीता नहीं जा सकता, अब काम पे ही कुछ हो सकता है सर। निश्चित रूप से, और आज जो आपने देखा होगा जो जन सैलाब था वो धर्म के नाम पे नहीं था, यहाँ पर कोई हम धार्मिक दिए नाम नहीं बुलाए थे, हमने अपने काम के आधार पे मैया समान योजना, सर्जन पेंशन योजना, अबू आवास, ये चाहे किस तरह को हमने ऋण माफ किए, उन योजनाओं के माध्यम से लोग यहाँ पे उनको सुनने आने, और एक विश्वास है हमारी योजना, एक विश्वास है, हमने एक परिवार की तरह एक हमने योजनाओं के माध्यम से रिश्ते कायम किए हैं। रिश्ते कहने का मतलब पारिवारिक रिश्ते होते हैं, तो हमने अपने बेटियों के लिए हमने क्या दिए, हमने मैया समान योजना दी है, अपने और अपने जो पढ़ते हैं उनके लिए ज्योति बाबा सावित्री बाई फूले योजना हमने लाए, जो भाई हमारे जो बाहर पढ़ते हैं उनको मरांग घूम के योजना दिए, गुरु जी कार्ड हमने दिया है, फिर जो हमारे गरीब खोमचे वाले, गरीब वाले, रिक्शा वाले जो हमारा आवास नहीं बना पा रहे थे क्योंकि वो हमारे पैसे रोक दिए थे, केंद्र के सरकार मोदी के सरकार ने पैसे रोक दिए, आलमगीर आलम हेमंत सोरेन जी इन लोगों ने मिलके इन्होंने अबू आवास योजना लाया, अपने संसाधन से उन्होंने लाया, और साथ ही साथ पूरे देश में झारखंड एक ऐसा राज्य है जो 50 वर्ष ऊपर वाले का सर्वजन पेंशन योजना यूनिवर्सल पेंशन योजना हमने लागू किया। ये हमारे कार्य हैं, हमारे मुद्दे जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनके मुद्दे मैं आपको बताऊं याद कर ले, लोकसभा के चुनाव में उनके मुद्दे क्या होते थे, गाय, गोबर, गोमूत्र, मंगलसूत्र, हिंदुस्तान, मुसलमान, पाकिस्तान, कब्रिस्तान, ये उनके मुद्दे हैं, हमारे मुद्दे ये नहीं है। आज से 15 दिन के बाद यानी 23 तारीख के बाद क्या लग रहा है, सत्ता वापसी हमारी आपकी होगी? देखिए मैं बताऊं, पिछली बार जब मैं लोकसभा का चुनाव लड़ा था उसके वोटिंग का डेट 13 था, 13 मई को वोट हुआ था, इस बार भी 13 नवंबर है, इतिहास हम रचेंगे ये तो मान के आप चलिए। तो सुखदेव धन्यवाद सर, धन्यवाद सुखदेव भगत जी हमारे साथ थे, और यहाँ पर बड़ी सभा हुई है, मात्र 4 दिन बचे हैं यहाँ पे वोटिंग होने में 13 नवंबर को, जैसे सर ने भी कहा मांडर विधानसभा में चुनाव होने, 23 तारीख को रिजल्ट आएंगे, किसके सर पे विधायकी का ताज सजेगा ये 23 को पता चलेगा, और किसकी सरकार बनेगी ये भी 23 को पता चलेगा, लेकिन उत्साह यहाँ कर देखकर हम समझ सकते हैं कि भाई क्या होने वाला है। फिलहाल हमें यहाँ पर कोशिश करेंगे और लोगों से हम बातचीत करें, लेकिन अभी इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।